आज मैं तीन बेस्ट एक्सरसाइजेस जो मैं लगभग सबको बताता हूँ शिन स्प्लिंट के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा शिन स्प्लिंट क्या है, कैसे चेक करें अगर आप उस चीज से डील कर रहे हो, एंड उसके बाद हम बात कर सकते हैं किस मतलब रिकवर कैसे करना है। शिन स्प्लिंट देखिए, शिन स्प्लिंट दो जगह पे हो सकता है। टीबियलिस एंटीरियर मसल होती है, या तो शिन बोन के बाहर की साइड या फिर शिन बोन के अंदर की साइड। आज हम अंदर की साइड की बात कर रहे हैं, जिसे पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट भी बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में से शिन बोन का पेन भी बोलते हैं। अब इसे चेक कैसे करना है कि आपको है या नहीं है, ठीक है। ऐसे आप टांग सीधा करके अपने एंकल को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, जिसे डोर्सिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाओगे। ऊपर लेके जाने में काफ आपको अगर टाइट फील हो रहा है, एंड उसके बाद आप अपनी शिन बोन के अंदर की साइड अगर हाथ लगाने पे आपको स्पाजम टाइप कुछ फील हो रहा है, मतलब नोट स्पाजम वगैरह कुछ फील हो रहे हैं, दबाने पे हल्का पेन हो रहा है, उसे हम शिन स्प्लिंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब ये कैसे होता है, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो या मतलब वॉक ज्यादा हो रही है, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो पहले से आपने बढ़ाई है कम टाइम में, मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ही होता है। अब इस चीज में अब आप कर क्या सकते हो, मतलब कैसे आप ठीक करोगे। आप यहाँ की साइड जहां पे आपको अपने हाथ लगा के देखा था कि यहाँ पे नोट वगैरह है, वहां पे बॉल रख के आप दबा सकते हो। दबा के होल्ड करोगे, स्लाइडली पेन होगा बट वो आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, ये इसी चीज से चलता है। इसका होल्ड रहेगा 45 से 50 सेकंड के आसपास का। जैसे जैसे मतलब इस ड्यूरेशन में 45 टू 50 सेकंड में पेन जैसे जैसे आपका कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका फिर दोबारा छोड़ के दोबारा से ये चीज अप्लाई करनी है। दूसरी ड्रिल है आपकी, आप इस तरह से बैठ के कहीं पे अपने पैर पे ऐसे लगाओगे, आपको ऐसे आना है, यहाँ पे होल्ड करना है, आपको ये मसल फील होनी चाहिए, फिर छोड़ोगे, फिर होल्ड करना है यहाँ पे ऊपर आके, फिर छोड़ोगे। दूसरी ड्रिल ये है, इसमें आपका होल्ड रहेगा तकरीबन 15 सेकंड के आसपास का, 12 से 15 रैप, 2 से 3 सेट। अब तीसरी ड्रिल क्या है, इसी तरह से बॉल रख के आप अपने दोनों साइड से ऐसे प्रेस करोगे बॉल को, मतलब दोनों एंकल से आपको बॉल प्रेस करनी है, फिर सीधा खड़े होके आपको काफ रेज करने है, होल्ड करना है, स्क्वीज करना है अपना काफ, फिर छोड़ोगे, फिर ऊपर आके होल्ड, काफ स्क्वीज और फिर छोड़ना है। एंड बाकी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी जिस जिस में आपको पता है पेन हो रहा है, अगर ज्यादा भागने से आपको दिक्कत हो रही है, पेन बढ़ रहा है, वो चीज आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा वर्कआउट या कुछ भी ऐसी ड्रिल जो आपको पेन को रिक्रिएट कर रही है, मतलब सपोज आपने आज ये रिहैब करा, कल उसके बाद आपको चेक करना है कि पहले से बेटर है, अगर है तो वो चीज एक्टिविटी या कुछ भी चीज जिससे रिक्रिएट हो रहा है पेन, वो आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे ये रिकवर होता चला जाएगा, आप दोबारा अपनी फिजिकल एक्टिविटी में जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और किसी भी मायने से आपका जो पर्पस है वो सोल्व हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड उनके साथ शेयर करो जो लिटरली इस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती चले जाए।